इंदौर जिले के नगर बेटमा में कुछ दिन पहले हुई 11 लाख की चोरी का खुलासा बेटमा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने चोरी के मामले में खुलासा करते हुए मामा के घर में चोरी करने वाले भांजे को गिरफ्तार किया है। बेटमा पुलिस ने फरियादी के भांजे अनूप पिता प्रदीप सोनी उम्र 26 साल निवासी विंध्याचल नगर इंदौर को अपनी हिरासत में ले लिया है। जांच के दौरान ज्ञात हुआ कि आरोपी अनूप सोनी, जो कि फरियादी का भांजा होकर फरियादी के घर में ही रहकर काम देखता था, उसने अपने अय्याशी के लिए मौका देकर अपने मामा के घर से लगभग 2500 ग्राम सोने के आभूषण चोरी कर लिए थे। वह घटना दिनांक से ही संदेह के घेरे में था। घटना के संबंध में SDOP श्री R.K. राय व थाना प्रभारी धीरेन्द्र पाल सिंह चौहान ने बताया कि घटना दिनांक 27 जनवरी 2020 को आरोपी अनूप सोनी ने अपने मामा सचिन सोनी के घर पर बाजार कस्बा बेटमा में हुई बताया गया। वहीं आरोपियों को पकड़ने के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महू धर्मराज मीणा द्वारा SDOP देपालपुर R.K. राय के निर्देशन में थाना प्रभारी धीरेन्द्र पाल सिंह चौहान के नेतृत्व में कई टीमें बनाकर मुखबिर को सक्रिय कर उक्त घटना के आरोपी को पकड़कर तुरंत अंजाम दिया गया। उक्त चोरी किए गए आभूषणों की कीमत लगभग 11 लाख बताई जा रही है। इस केस के खुलासा करने के सराहनीय कार्य को करने में सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह और सहायक उप निरीक्षक जितेंद्र कुमार मिश्रा, प्रधान आरक्षक मुकेश नागर आदि की हानिया भूमिका रही। देपालपुर से बलराम देसाई की रिपोर्ट। सचिन सोनी द्वारा थाना बेटमा पर उनके घर में सोने के गहने चोरी होने के संबंध में एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसमें घटनास्थल का निरीक्षण करने पर यह पाया गया था कि घटना घर में आने जाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा या उनके घर के ही किसी सदस्य द्वारा चोरी की घटना घटित की गई है। इस संबंध में श्रीमान DIG महोदय द्वारा, क्योंकि काफ़ी कीमती सामान चोरी गया था, टीम बनाकर अनुसंधान करने के निर्देश दिए थे, जिसमें श्रीमान एडिशनल SP महोदय महू द्वारा उनकी क्राइम ब्रांच की टीम को लगाया गया था, जिसके प्रभारी जितेंद्र मिश्रा हैं, और थाने से वीरेन सिंह गौर ASI को टीम का नेतृत्व देते हुए लगाया गया था। दोनों के द्वारा काफ़ी मेहनत करने पर, उनके घर में आने जाने वाले लोगों के बारे में जानकारी निकालने पर काफ़ी लोगों से पूछताछ की गई थी, तभी उनको मुखबिर से ये सूचना मिली थी कि रवि सोलंकी नाम का व्यक्ति एक सोने का हार बेचने के फिराक में है। इस सूचना पर उन्होंने रवि सोलंकी को पकड़कर उससे पूछताछ की तो उसने बताया कि फरियादी का भांजा अनूप सोनी के द्वारा चोरी करके उसको वो हार दिया गया था बेचने के लिए। उसी आधार पर अनूप से भी पूछताछ की गई और उसके कब्जे से एक हार, दो पाटले और एक कंदोरा उसी के घर से जहां वो रहता है वहां से बरामद किए गए हैं। बरामद किया गया मसरूका की कीमत लगभग 11 लाख रुपए है।